खाना कैसा बना है हारे भाई? बहुत अच्छा बना। पूछ तो ऐसे रही हो जैसे खुद बनाया हो। बनाया बेशक मैंने ना हो, लेकिन मेन्यू तो मैंने डिसाइड किया है ना। बहुत बड़ा काम किया नहीं नहीं अच्छा, सब बहुत अच्छा। अरे बेटा जी अंकल, घर जाने से पहले मेरी एक बात सुनकर जाना। जरूर। अच्छा भाई, मैं तो खाना खा चुका हूँ, वॉक के लिए जा रहा हूँ। ओके क्या बात है? पता नहीं, कहीं तुमने अंकल से मेरे खिलाफ कोई शिकायत तो नहीं कर दी? नहीं, मैं क्यों ऐसे करूंगी? पता सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, घबरा क्यों नहीं? बस यही रोकते हैं, नहीं नहीं रोकते, मैं चाहिए जाऊँ घर तक को दौड़ देता हूँ। नहीं कोई नहीं चलेगा। अच्छा, वैसे मुझे लग रहा था कि दोबारा मुलाकात नहीं होगी। क्यों, ऐसा क्यों सोचा तुम? पहली बात तो ये कि मैंने रूठी बात की थी तुमसे, और दूसरा ये कि अब रिश्ता तुम्हारी भाभी है। अपने बर्ताव के लिए माफ़ी तुम मांग चुके हो, और रही बात रिश्ता भाभी की, तो वो भैया का फैसला था। सही। अच्छा मैं चलती हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोबारा भी मुलाकात होगी हमारी। हो जाएगी, जैसे आज हो गई थी। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किसके साथ आई हो? जी वो दोस्त के साथ। ज़ारा के साथ? जी जी ज़ारा के साथ आई। ज़ारा ने तो बहुत महंगी गाड़ी ले ली। नहीं वो आपने गाड़ी देख ली? हाँ अभी तो देखी। वो ज़ारा की कार नहीं थी, वो उसके अंकल की थी। अच्छा अच्छा, वैसे तुम तो शॉपिंग के लिए गई थी ना, तो कुछ खरीदा नहीं क्या? कुछ पसंद नहीं आया। तो फिर इतनी देर कहाँ लगा दी? बता के वे अम्मी कॉफी के लिए रुक गए थे, वक्त का पता नहीं चल रहा। अच्छा, वो भाई घर पे नहीं? वो दोनों गए जमाल भाई की तरफ। जी अंकल, आपको कुछ बात करनी थी मुझसे? हाँ जरूरी बात करनी थी तुमसे। जी कहिए। मैं कहना चाह रहा था कि खैर से अब तुम मेरे दामाद हो, कहीं बाहर जॉब करने से बेहतर है कि मेरे पास काम करो। आपके पास? मेरे पास नहीं, मेरे साथ। अरे बेटा कुछ बोलो। नहीं वो आपने अचानक ये बात की तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ। भाई अचानक बात की है, कोई गैर मुनासिब बात तो नहीं की ना?